गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी बॉम्ब्स 5। मेरा नाम है तस्मिनिस और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ जामा मस्जिद, जो कि है ओल्ड दिल्ली में रेड फोर्ट के बिल्कुल सामने। अभी हम चल रहे हैं मटिया महल की गलियों में, जो कि बहुत मशहूर है अपने खाने के लिए। ये मार्केट 12 बजे के बाद ही खुलती है, इसलिए यहाँ पर अभी क्लीनिंग हो रही है। अभी आपने सीख कबाब की शॉप देखी, ऐसे ही यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, जिसमें पुरानी दिल्ली के फेमस फूड वेज और नॉन वेज मिलते हैं, जैसे असलम का बटर चिकन एंड कुरेशी की कबाब, जैसे कि मोहब्बत का शरबत, खीर रोटी, लाल रोटी एंड ड्राई फ्रूट रोटी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ एक और चीज़ मिलती है, जलेबी के साथ रबड़ी, जो कि सबको बहुत अच्छी लगती है। आप जब भी आएँ ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर शॉपिंग के लिए आपको कई शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे कि कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, टोपी, जानमाज, तस्वी एक्सेट्रा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं इसमें एक्साइटेड हो रही हूँ। यहाँ पर सारा हलाल फूड मिलता है, यहाँ पर आप बिना डाउट करे खा सकते हैं। ये देखिए जामा मस्जिद दिखाई देना शुरू हो गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये रॉक स्टार वाला चश्मा पहनकर क्यों आई हूँ, क्योंकि आज बहुत धूप थी। मुझे स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था, उसमें मुझे एक हिस्टोरिकल प्लेस का व्लॉग बनाने कहा गया था। तो चलिए जल्दी से चलते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, इट्स ब्यूटीफुल। हम गेट नंबर 1 से अंदर जाएंगे। इसके कई गेट्स हैं, आप कहीं से भी जा सकते हैं। जामा मस्जिद देखने के लिए दूर दूर से लोग देखने आते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, पर मुझे हर बार और भी ज्यादा मजा आता है। ये बहुत बड़ी जगह है और बहुत सुंदर भी। गेट नंबर 1 जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के बहुत करीब है, तो आप मेट्रो से बाय वॉक भी आ सकते हैं। इसकी टाइमिंग सुबह 7 से 12, दोपहर 1:30 से 6:30 तक की है। जामा मस्जिद मुगल एम्परर शाहजहां ने 1650 में बनवाई थी। इसके फर्स्ट इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी थे। इस मस्जिद के दो नाम हैं। शाहजहां ने इसे मस्जिद ए जाम नुमा नाम दिया। उर्दू और पर्शियन में इसे जामा मस्जिद नाम दिया गया। जैसे कि आपने देखा, जामा मस्जिद के बाहर एक शॉप है, उसमें होते हैं, उसमें सामान मिलता है, टोपी, जानमाज, तस्वी, हिजाब और बहुत कुछ। और यहाँ से आप पानी और कोल्ड ड्रिंक भी खरीद सकते हैं। किसी भी मस्जिद में बिना हेड कवर करे नहीं जाते, इसीलिए मैं सबसे पहले अपना हेड कवर कर रही हूँ। आप जब भी आए, अब एहतराम कर अपना हेड कवर कर जरूर आए। चलिए आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। मस्जिद में नंगे पैर ही अंदर जाते हैं, क्योंकि मस्जिद नमाज के लिए बिल्कुल पाक होती है। यहाँ पर सब अल्लाह को सजदा करते हैं, इसीलिए सैंडल्स हाथ में ले जाते हैं, या फिर आप कैरी बैग्स भी ले सकते हैं। आज बहुत गर्मी थी, इसलिए मेरे पैर बहुत जल रहे हैं। मम्मा तो आ ही नहीं पाए, इसलिए मुझे वापस भाग कर आना पड़ा। मैं आकर बहुत रोई, क्योंकि मेरे पैर पर छाले पड़ गए थे। इसलिए आप गर्मियों में दोपहर के टाइम बिल्कुल ना आए, और अगर आए
बाहर शॉप से 100 रुपीज़ की स्लीपर अपने लिए ज़रूर खरीदें, जैसे अब मैंने खरीदी है। नाउ लेट्स गो इनसाइड। ये टिकट काउंटर मीनार का है, बट वहाँ जाने के लिए आपके साथ एक जेंट्स ज़रूर होने चाहिए, इसीलिए आज हम वहाँ नहीं जा पाए। चलिए अब हौज में वुजू करने चलते हैं, क्योंकि जामा मस्जिद में अगर नमाज नहीं पढ़ी तो क्या मज़ा। जामा मस्जिद की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़ें। इट्स वुजू टाइम। क्या आपको मालूम है, वुजू करने से सिर्फ बदन ही पाक नहीं होता बल्कि आपके गुनाह भी माफ होते हैं, इसीलिए हमें हमेशा वुजू से रहना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से वुजू करने में इस गर्मी में तो मजा ही आ गया। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। अब वुजू के बाद की दुआ पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मज्अलनी मिनत्तव्वाबीना वज्अलनी मिनल्मुत्तहिरीन। चलिए आइए अब मस्जिद को और भी अंदर से देखते हैं। यहाँ पर शाही इमाम नमाज पढ़ाते हैं, मैंने भी आज यहाँ नमाज पढ़ी। ये बहुत बड़ी और सुंदर है, लाल पत्थरों से बनी ये इमारत सबके मन को भाती है। यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है, आप खुद को अल्लाह के करीब पाते हैं। मैंने सभी के लिए दुआएं करी, जैसे कि अभी आपने बोर्ड देखा, अंदर टूरिस्ट अलाउड नहीं है, ये जगह सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए है। यहाँ आप मस्जिद के लिए डोनेशन भी दे सकते हैं। रमजानों में ये जगह और भी रौनक वाली होती है। सामने अरबी में सूरतें लिखी हुई हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइए आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। कीप सपोर्टिंग। बाय।